गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ लेसन वन अंडरस्टैंडिंग अवर रिलेशंस, उनकी हार्ड मीनिंग्स करेंगे। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इट मीन्स समझ, टुगेदर इट मीन्स साथ साथ, वॉरिड चिंतित, कॉन्ट्रीब्यूट सहयोग, अपब्रिंगिंग पालन पोषण। पालन पोषण इट मीन्स लालन पोषण, जो हमें पालते हैं पोसते हैं ना मम्मी पापा, उन्हें हम अपब्रिंगिंग कहते हैं। हेरिडिटी वंश परंपरा, वंश परंपरा जो चलती आ रही है जनरेशन टू जनरेशन, वो होती है हेरिडिटी। ओके, जेनेटिक्स इट मीन्स जननिक, जननिक जो हमारे जन्म से होती है उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। पैटर्नल, पैटर्नल मतलब पैतृक, पैतृक इट मीन्स पापा की फैमिली, जो हमारी पापा की फैमिली होती है उसे हम पैटर्नल कहते हैं, जैसे पैटर्नल अंकल, पैटर्नल पैटर्नल बुआ जी, ये सब जो होती है ना, ये सब हमारे पैटर्नल होते हैं। मैटर्नल इट मीन्स मातृक, मतलब मम्मी की फैमिली, जैसे कि नाना जी, नानी जी, मौसा जी, मौसी जी, मामा जी, मामी जी। जैसे कि हमने पैटर्नल अभी पढ़ा ना, कि पैटर्नल में पापा, पापा के पापा, पापा के पापा के पापा, मतलब परदादा, दादी, चाचा, चाची, बुआ जी, ये सब हमारे पैटर्नल होते हैं। लीगल इट मीन्स कानूनी, जो हमारे कानूनी रूप से जो भी होता है उसे हम लीगल बोलते हैं। एडॉप्शन इट मीन्स गोद लेना, किसी भी बच्चे को अपने घर ले आना कोई लीगल प्रोटेक्शन के दौरान, उसे हम एडॉप्शन कहते हैं। फील्ड, फील्ड इट मीन्स क्षेत्र, कौन से क्षेत्र से है इसके बारे में। न्यूक्लियर इट मीन्स एकल, मतलब एक परिवार, जिसके अंदर एक परिवार रहता है वो न्यूक्लियर फैमिली। एकल परिवार इट मीन्स फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं, किसी भी चीज की विशेषताएं हम बताते हैं उसे हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। रेसेम्बल मतलब जैसे लगते हैं, जैसे लगते हैं का मीन्स हुआ, जैसे कि हम बोलते हैं ना, आपकी आईज इसके जैसी लग रही है, आपके नोज इसके जैसे लग रहे हैं, तो वो होता है रेसेम्बल्स। अब आगे हम चैप्टर स्टडी करेंगे। ये हमारी हार्ड मीनिंग्स थी, हार्ड मीनिंग्स आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अब हम चैप्टर की स्टडी करते हैं। ओके यस स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा मीनिंग्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ फैमिली। टाइप्स ऑफ फैमिली टू टाइप्स की होती है, एक होती है ज्वाइंट फैमिली और एक होती है न्यूक्लियर फैमिली। तो व्हाट इज अ ज्वाइंट फैमिली एंड व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली, इनके बारे में हम डिफरेंस पढ़ते हैं। आके है, इट इज अ बिग फैमिली। ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, एक बिग फैमिली होती है, जबकि न्यूक्लियर फैमिली स्मॉल फैमिली होती है। ज्वाइंट फैमिली में मोर मेंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि न्यूक्लियर फैमिली में लेस मेंबर्स बहुत कम होते हैं। ज्वाइंट फैमिली में इंक्लूड होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, कजिन, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, सभी के बच्चे इसमें इंक्लूड होते हैं। जबकि न्यूक्लियर फैमिली में ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, मतलब पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। तो इस तरह हमारी कंप्लीट होती है टाइप्स ऑफ फैमिली, ज्वाइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज अ ज्वाइंट फैमिली, तो आप क्या बताओगे, अ ज्वाइंट फैमिली इंक्लूड पेरेंट्स, अंकल, आंटी, कजिन, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर आर कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली। ए फैमिली ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेरिडिटी ट्री। यस स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं हेरिडिटी ट्री ऑफ ए फैमिली। हेरिडिटी ट्री मतलब वंशानुगत जो हमारी फैमिली ट्री होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो वंश पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है उसके बारे में। फर्स्ट है हमारा पैटर्नल ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स। पैटर्नल ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स का मतलब होता है परदादा दादी। ओके, और फिर उसके बाद जो परदादा दादी का जो गुण होता है, करेक्टरिस्टिक्स होती है, जो हेरिडिटी होती है, वो किसके अंदर आती है, वो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब हमारे दादा दादी के अंदर आती है। फिर दादा दादी से जो सारे गुण होते हैं वो कहाँ तक आते हैं, वो फादर तक आते हैं। वैसे जैसे कि ये पैतृक है, तो उसी तरह से हमारे मैटर्नल ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कि जो हमारे पर नाना नानी है, उनके गुण किस में आते हैं, मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स में। मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब हमारे नाना नानी के अंदर, और फिर उसके बाद वो गुण किसके अंदर आते हैं, वो हमारे मदर के अंदर आते हैं। तो आप ये देख रहे हैं एक सर्किल में चल रहा है कि पैटर्नल के सारे गुण फादर के अंदर और मैटर्नल के सारे गुण मदर के अंदर,
और फिर चिल्ड्रंस के अंदर क्या आते हैं, बच्चों के अंदर क्या आते हैं, मतलब हमारे अंदर किसके गुण आए हैं, फादर और मदर दोनों के गुण आ सकते हैं। मतलब हमारे अंदर फादर के गुण भी होंगे, हमारे अंदर मदर के गुण भी होंगे। कई बार ऐसा बोला जाता है ना कि आप तो बिल्कुल दादाजी के ऊपर गए हो, और लड़की को बोला आप तो बिल्कुल नानी जी के ऊपर गई हो। तो ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारी मैटरनल फैमिली और पैटर्नल फैमिली दोनों, जैसे पैटर्नल फैमिली से हमारे पास फादर है, मैटरनल फैमिली से हमारे पास मदर है, तो उन दोनों के गुण हमारे अंदर आते हैं। इसलिए हमारे अंदर पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के भी गुण आ सकते हैं, तो मैटरनल ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के गुण आ सकते हैं। हो सकता है कि हमारे अंदर ओनली पैटर्नल्स के गुण आए, मैटरनल के कोई गुण नहीं आए, तो दोनों रीजन हो सकते हैं कि आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो ये होती है हमारी हेरिडिटी ट्री ऑफ ए फैमिली। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट आगे हम टॉपिक पढ़ते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एडॉप्शन। एडॉप्शन इट मीन्स टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी अदर चाइल्ड। तो किसी भी रिश्तेदार या किसी अन्य बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना क्या कहलाता है, गोद लेना कहलाता है। इसमें हम किसी भी बच्चे को ले सकते हैं, चाहे वो बाहर का बच्चा हो या फिर कोई रिलेटिव्स का बच्चा हो, हम उसे क्या कर सकते हैं, कानूनी संरक्षण प्रोवाइड करते हैं, वो एडॉप्शन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक्स। फैचर्स ऑफ द चिल्ड्रन मैच विद द फैचर्स ऑफ रिलेटिव्स। गुण, फैचर्स मीन्स होता है गुण, तो बच्चे का गुण हमारे रिलेटिव के किसी भी रिलेटिव से मिलता है, उनके गुण से मिलता है, वो हमारा जेनेटिक फैचर्स कहलाता है। रिलेटिव से फैचर्स इट मीन्स चाहे वो पैटर्नल हो सकता है, चाहे वो मैटर्नल हो सकता है। मतलब हमारे अंदर नाना नानी के गुण भी आ सकते हैं, हमारे अंदर दादा दादी के गुण भी आ सकते हैं। अभी अभी हमने इसके बारे में स्टडी की थी, सबको समझ में आया ना कि हमने स्टडी की थी ना इसके बारे में, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जेनेटिक्स क्या होता है। जैसे हेरिडिटी करेक्टर्स भी यही होते हैं कि वो जनरेशन टू जनरेशन हमारे अंदर आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर आता है, उसे हम हेरिडिटी करेक्टर्स बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।